लॉ समझ लो, या मैं इसको डायरेक्टली समझाती हूँ। लॉ ऑफ मेलस ये स्टेटमेंट था। लॉ ऑफ मेलस क्या है? लॉ ऑफ मेलस ने ये जो पोलराइजर और अनपोलराइजर से एनालाइजर से लाइट जाती है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उसकी मैथमेटिकल वैल्यू निकाली थी। मतलब फिर से सुनो, मिस्टर मेलस ने क्या किया था कि ये जो तुम्हारी अनपोलराइज्ड लाइट है, ये तुम्हारी जो अनपोलराइज्ड लाइट आगे बढ़ती है और वो आगे पोलराइजर से गुजर रही है। मान लीजिए पोलराइजर है, ठीक है, पोलराइजर, इसके बाद आगे पोलराइज्ड लाइट आती है। मान लो इसके बाद और आगे गई, हमने एक और पोलराइजर लगा दिया, सब पोलराइजर ही लगा रहे, लेकिन फर्स्ट वाले को पोलराइजर बोलते हैं, सेकंड वाले को एनालाइजर बोलते हैं, और इसके बाद जो भी लगते हैं उसको भी एनालाइजर बोलते हैं। तो जब यहाँ से लाइट चली, एक हिसाब से देखो कि अगर मैं तुमसे मैथमेटिकली कहती हूँ कि मान लो यहाँ से 100 लाइट चली, 100 रेज चली, तो यहाँ पर 100 की 100 थोड़ी पहुंचेगी, यहाँ तो एक लाइन में चली गई, यानी यहाँ पे 100 से कुछ कम होंगी ना, less than 100। और फिर जब इससे गुजरेंगी तो क्या उतनी ही गुजरेंगी या उससे भी कम हो जाएंगी, या वो कितनी कम हो जाएंगी, इसको निकालने की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो सबसे पहला जिन्होंने निकाला था वो थे मिस्टर मैनस। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो लाइट हमें मिल रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, क्योंकि लाइट को जो मेजर किया जाता है वो उसकी इंटेंसिटी से मेजर किया जाता है। मैक्सिमम, ठीक है। अब उन्होंने बताया ये कैसे निकाला जाएगा। उन्होंने उसका मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन दिया था, इंटेंसिटी इज इक्वल टू I0 cos² θ। ये I0 आपकी यहाँ वाली इंटेंसिटी, I0 इनिशियल इंटेंसिटी लाइट की, और ये जो I- इंटेंसिटी निकल रही है वो यहाँ पर जो लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी, ठीक है। तो मिस्टर मैलस ने फर्स्ट टाइम इंटेंसिटी की वैल्यू बताई थी कि जब भी हम पोलराइजर से लाइट को आके लेके जाएंगे तो उसकी इंटेंसिटी कितनी आएगी निकल कर। अब इन्होंने ये cos² θ क्यों लिया? क्योंकि पोलराइजर को हम किसी ना किसी एंगल पे रखेंगे, तो इन्होंने कहा वो उसके cos² θ के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, ठीक। अब इसी फॉर्मूले से अगर हम ये निकालना चाहें कि पहला जो पोलराइजर हम रख रहे हैं उसके बाद, मान लो मैं ऐसे कर रही हूँ, 100 नहीं लिखा मैंने, यहाँ से I0 इंटेंसिटी की लाइट गई, तो यहाँ पर पहले I1 लाइट पहुंचेगी, फिर यहाँ पर I2 इंटेंसिटी हो जाएगी, फिर आगे चलेंगे तो फिर और इंटेंसिटी हो जाएगी, ठीक। तो वो कितनी वैल्यू होगी अगर देखा जाए, तो पहला आप जब रखोगी तो यहाँ तो चारों डायरेक्शंस में जा रही है, तो पहला जो पोलराइजर रखा जाता है उसके लिए थीटा की वैल्यू हमेशा 0 रखी जाती है, यानी उसको पैरेलल मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? कि वो पैरेलल है। अब हम ये कैसे निकालते हैं, पहले सब कंसेप्ट सुन लो, बाद में हम इसको समझाएंगे थ्योरी का। कि पहला वाला I1, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी हैव I0 cos² θ। अभी मैंने बोला उसको पैरेलल मानते हैं, पैरेलल मतलब वो यहाँ पर एंगल 0 डिग्री का होगा, ठीक। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos²θ इज इक्वल टू 2 cos²θ - 1, मैथमेटिक में ट्रिग्नोमेट्री, यानी cos²θ प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos²θ, यानी cos²θ की वैल्यू हो गई upon 2, क्लियर। ये वैल्यू हमने यहाँ पर, यहाँ पर हो गया I0 upon 2 1 plus cos²θ, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं। अब ये हो गया I0 upon 2 1 plus cos 2 into 0, यानी cos 0 हो गया ये, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? मैम 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। सॉरी हमने गलती कर दी, यहाँ पर ये जो आपका पोलराइजर रखा हुआ है ये 90 डिग्री पे रखा है, कितने पे रखा है?
90 डिग्री पे रहता है। तो एक मिनट, कुछ गलती कर रहे हैं हम। यहाँ नेट वैल्यू जो हो जाएगी वो कॉस जीरो हो जाएगी, यानी टू थीटा की ओवरऑल वैल्यू ये मतलब जीरो आ जाएगी। जीरो कब हो जाएगी ये? कॉस जीरो जीरो, कॉस जीरो वन, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो जीरो हो जाएगी। एक मिनट रुको, हाँ गलत हो गया, थीटा कॉस थीटा का वैल्यू जीरो है, 180 डिग्री। यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर जाएगी, परपेंडिकुलर अगर गई फर्स्ट केस सिनेरियो उन्होंने 45 डिग्री पे लिया, जीरो डिग्री पे नहीं लिया, वो अलग अलग केसेस जाएंगे। जब हम इसको पहली बार रखेंगे इस निकोल प्रिज्म को, तो ये इसको 45 डिग्री का अज्यूम करेंगे। यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना अज्यूम करेंगे? 45 डिग्री का, टेढ़ा करके, ठीक है? तो 45 का अज्यूम करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा आई जीरो वन प्लस कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा के हिसाब से आई जीरो अपॉन टू, ये अपॉन टू था, वन प्लस cos 45 टू जा 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। और ये हो जाएगा i 0 by 2 1 plus 0, ठीक है? मतलब फर्स्ट प्रिज्म आप किस पर अज्यूम किया जाता है? 45 डिग्री। एंगल कितना लेके चलते हैं? 45 डिग्री बीम के हिसाब से। तो ये यहाँ पर i 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? i 0 by 2, मतलब जितनी भी लाइट यहाँ पर है जब वो पहले पोलराइजर से गुजारी जाती है तो ये जो I1 लाइट फर्स्ट वाली निकलती है वो इंटेंसिटी की ठीक आधी हो जाती है, इंटेंसिटी की ठीक आधी हो जाती है, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पर हम जिस एंगल पे रखेंगे उस एंगल के हिसाब से ये चेंज होगी। मान लो 60 डिग्री का एंगल रखे, 30 डिग्री का एंगल रखे, उस एंगल के हिसाब से ये चेंज होती रहती। तो ये कंसेप्ट मैं समझा रही थी, अब मैं न्यूमेरिकल ले रही हूँ क्योंकि स्टेटमेंट तो मैंने तुम्हें लिखा दिया, ठीक है, मेलस लॉ का, ठीक। अभी मैं फिगर आपको भेज दूंगी, आप फिगर बना लीजिएगा बुक से साफ साफ। नाउ वी हैव द क्वेश्चन, टू पोलराइज्ड आर केप्ट विद देयर एक्सिस पैरेलल टू पोलराइजर एक्सिस, उसी तरीके से फिगर है, अनपोलराइज्ड लाइट फिर पोलराइजर फिर एनालाइजर, ठीक। अब एनालाइजर को हम इन एंगल्स पे रोटेट कर रहे हैं, तो इसकी इंटेंसिटी किस तरीके से चेंज होगी? तो पहला एंगल थीटा कितना है? 45 डिग्री। दूसरा एंगल थीटा कितना है? 90 डिग्री। तीसरा एंगल थीटा कितना है? 180 डिग्री। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू आई जीरो कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसी फॉर्मूले पर बात करते हैं तो आई जीरो कॉस 45 डिग्री होल स्क्वायर, क्लियर? आई जीरो कॉस 45 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी क्या बन गया? आई जीरो बाई 2 बन गया। इजी? कोई प्रॉब्लम? नो, कोई प्रॉब्लम? कुछ ना समझ में आया? आ गया ना? अभी अब हमने सेकंड लिया 90 डिग्री। मैं रख दिस, हाँ, अब हमने लिया 90 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos 90 होल स्क्वायर, cos 90 का वैल्यू जीरो, ओवरऑल इंटेंसिटी बिकम्स जीरो, डन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180? नो, राइट डाउन, इसका वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू -1 होगा, लर्न कर लेना, ठीक है? cos 180 का वैल्यू cos 180 डिग्री स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर, दैट इज i1 = i0,
तो माइनस लॉग यहाँ से लाइट आगे जा रही है ये बीच में रखा गया तो पी थ्री को लगाई और ये वाला पोलराइट जो है वो पैरेलल रखा टेढ़ा कर ये P2 तो P2 निकला तो यहाँ से I2 निकलेगा ये P3 है तो यहाँ से I3 निकलेगा और ये P1 है तो यहाँ से I1 निकलेगा इंटेंसिटी बन गया इसका सॉल्यूशन कहाँ पर आ रही है तो I3 लाइट I1 पे डिपेंड करेगी तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी I1 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी और I2 की जो लाइट होगी जो यहाँ निकलेगी वो I3 पे डिपेंड करेगी cos स्क्वायर लेकिन यहाँ थीटा नहीं होगा क्योंकि ये इसके पैरेलल है मतलब अगर ये 90 डिग्री पर है तो वो पैरेलल जा रहा है तो यहाँ पर जो थीटा लेंगे वो लेंगे 90 माइनस थीटा ये अंतर क्योंकि वहां पर दोनों परपेंडिकुलर नहीं है एक पैरेलल है एक परपेंडिकुलर एक्सिस पर है ठीक है ये हो जाएगा I3 और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इतना समझ में आ गया अभी ये I3 लिखा है I3 की पूरी वैल्यू ये है ये हम यहाँ रख सकते हैं I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आपको समझ में आया अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा होता अगर हम यहाँ पर सब स्क्वायर कर दें तो 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इधर पर भी sin 2 थीटा और हम इस पर क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे कि नहीं तो ये जो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम चेंज करेंगे कैसे चेंज करेंगे हम यहाँ पर I1 लिखा रहे दो I2 लिखा रहे यहाँ पर हम 4 अगर लगाते हैं ये 4 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और 4 से ही डिवाइड कर दो हमने 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 4 से डिवाइड कर दिया कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मैथ के हिसाब से हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से डिवाइड कर रहे हैं ये I2 बना ये I1 अपॉन 4 बन गया और इस पूरे की जगह हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं यानी साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर यानी क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर 2 थीटा अब एक बात बताओ अब ये एंगल बन गया कि नहीं यहां से हमको मैक्सिमम और
मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी? जब आई टू की वैल्यू जीरो होगी या आई वन अपॉन फोर साइन स्क्वायर टू थीटा की वैल्यू जीरो होगी या इस पूरे की वैल्यू जीरो होगी? या साइन टू थीटा की वैल्यू जीरो होगी? तो साइन जीरो कब होता है? जब थीटा की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है ना, बोलो, साइन जीरो जीरो होता है ना, तो यानी जीरो डिग्री कब होगा? जब वो चीज पैरेलल होगी। जब वो चीज क्या होगी? पैरेलल। अब इसी तरीके से हम मैक्सिमम निकालेंगे। क्या वैल्यू निकालेंगे? मैक्सिमम। इधर हम रख करते अब इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी? जब आई टू की वैल्यू वन आ जाए या साइन स्क्वायर टू थीटा की वैल्यू वन आ जाए या साइन टू थीटा की वैल्यू वन आ जाए। तो साइन टू थीटा की वैल्यू कब वन होती है? साइन 90 पर। साइन 91, साइन साइन कंपेयर कर लिया, तो 2 थीटा की वैल्यू पाई बाय 2, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो गई? पाई बाय 4, यानी जब 45 डिग्री होगा तो हमको कौन सी वैल्यू मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू। 90 में नहीं, 45 पर हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी।